नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये हम झांसी के बिकड़ी से इलाइट की ओर जाने वाले उस मार्ग पर हैं जिसे वीआईपी मार्ग कहा जाता है। रात का समय है, देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा माहौल है, बहुत बेहतरीन फुटपाथ है, साइड में फुलवारी बनाई गई है, ये प्रशासनिक अमले के द्वारा बनाई गई फुलवारी है। लाइटें जगमगा रही हैं, रोशनी भरपूर है, बेहद ही खूबसूरत मार्ग है। ये यहाँ पर सरकारी अधिकारियों के निवास होने के साथ ही कई बड़े सरकारी कार्यालय भी हैं, जिसमें उद्योग विभाग, विकास भवन, आयुक्त कार्यालय और अन्य विभाग शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है कि आज झांसी में 127 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये देख सकते हैं आप, झांसी का आयुक्त कार्यालय है, रात के समय ये देख सकते हैं आप बंद है। हालांकि इस दौरान एक छोटी सी गलती भी हुई है। झांसी में एक दिन में कोरोना मरीज मिलने का जो रिकॉर्ड है वह नहीं टूटा है, क्योंकि इससे पहले 135 मरीज मिल चुके हैं, आज 127 मरीज मिले हैं। इस प्रकार झांसी में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीजों की संख्या 885 हो गई है और संक्रमित मरीजों की संख्या भी 14 से करीब हो गई है। एक चिंता की बात यह भी है कि अब झांसी में कोरोना के मरीज जेल से भी मिले हैं, क्योंकि जो प्रशासन की आज विज्ञप्ति आई है उसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वह कंटेनमेंट जोन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जेल से भी मिले हैं, यानी जेल से भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आज कमिश्नर श्री सुभाष चंद्र शर्मा ने बिजौली इलाके का भ्रमण किया, उन्होंने वहां पर अतिक्रमण को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है। झांसी के कमिश्नर लगातार नगर में भ्रमण कर विकास कार्यों को देख रहे हैं, उनकी दूरदर्शिता और सजगता से काफ़ी विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आज झांसी में जिला अधिवक्ता संघ के प्रणय श्रीवास्तव ने भी अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी का पालन करने का निर्देश दिया, साथ ही अपील भी की। ये देख सकते हैं कि आयुक्त आवास है। झांसी के साथ अपने उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार की बीते रोज गोली मारकर उसे जो घायल किया गया था, आज उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदेश की योगी सरकार ने मृतक परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने के साथ ही पत्नी को नौकरी देने का भी ऐलान किया है। फिलहाल जिस तरह से झांसी में अनलॉक में बाज़ार खुले हैं और मानिक चौक को लेकर खोलने की बार बार व्यापारियों के द्वारा जो अपील की जा रही है, उसका क्या निर्णय निकलेगा यह तो प्रशासन ही तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है, उसके बाद सोचनीय प्रश्न है व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलें या नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां व्यापारी लगातार जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं, वहीं व्यापार खोले जाने की मांग भी की जा रही है। व्यापारियों के अपने तर्क हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं जिन्हें प्रशासन को संज्ञान में लेना भी चाहिए। फिलहाल मार्केट संवाद लगातार आपसे अपील कर रहा है कि कृपया आप सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहते हुए प्रशासनिक और शासन के स्तर पर जारी लॉकडाउन के और
कोरोना से बचने के नियमों का पालन करें। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।